This video is brought to you by The Learn and Shakes, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College and by Orbis International School. के पीर बंगाली ग्राउंड में भी कुछ दुकानें कायम करेंगे और वार्ड वाइज भी कुछ पासेस देके, जैसा कि हर वार्ड में एक 10 दुकानें जो है तरकारी के और फ्रूट के एरिया सर्कल के पास से जाके आप पासेस ले सकते हैं और निशानदेही करें, आइडेंटिफाई करें कि फला जगह पे हम दुकान लगाएंगे तो वहाँ आपको पास दिया जाएगा और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। PWD की जानिब से, सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से, इलेक्ट्रिकल की जानिब से लाइटिंग बैरिगेट्स वगैरह लगा कर पुलिस वहाँ ट्रैफिक वहाँ पर तैनात रहेगी और पूरा वो देख रेख करेगी। हम सब लोग उसको मॉनिटर करेंगे। आपको बाज़ब्ता तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किराना शॉप्स मिलेंगे जिसकी टाइमिंग 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम रोज़े की मार्केट वाले जो भी हमारे पास मौजूद आए थे, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फिर एक मरतबा हमारे पास आएँ, हम उनको प्लेस कहाँ कहाँ लगाना हम बता देंगे। गुलबर्गा की आवाम को फिर एक मरतबा अपील करता हूँ, जो काम करते हैं उन्हीं से राबता रखें, उन्हीं के साथ रहें। इंशाल्लाह हर वक्त उन्होंने आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं काम करने के लिए। इंशाल्लाह पूरे पासेस देंगे इमाम और मौजन को, और पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर फिर रहे हैं, दिन रात हर चीज़ हर इश्यू में सबसे आगे यहाँ पर आ रहे हैं। किसी को बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है। जो काम करता है वो दिखता है, जो काम नहीं करता वो नहीं दिखता। आगे भी जो भी होगा रमज़ान और रमज़ान तक और रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह हम पूरे मिलकर काम करेंगे गुलबर्गा शहर के लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए इंशाल्लाह पूरे मिलकर काम करेंगे। आज DCP साहब किशोर बाबू से मुलाकात हुई, जिसमें नासिर हुसैन साहब भी थे, वाहज बाबा और असगर साहब और अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब। बातचीत में ये तय पाया कि पीर बंगाली ग्राउंड में भी कुछ दुकानें कायम करेंगे और वार्ड वाइज भी कुछ पासेस देके, जैसा कि हर वार्ड में एक 10 दुकानें जो है तरकारी के और फ्रूट के एरिया सर्कल के पास से जाके आप पासेस ले सकते हैं और निशानदेही करें, आइडेंटिफाई करें कि फला जगह पे हम दुकान लगाएंगे तो वहाँ आपको पास दिया जाएगा और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूरा रमज़ान का महीना और जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक वो जगह पे आप कारोबार कर सकते हैं। हर गली पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, यानी कि आपको टू व्हीलर लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है पैदल जाकर वॉकेबल डिस्टेंस रहेगा आपको तरकारी की दुकान के लिए, वहाँ जाके आप तरकारी खरीद सकते हैं। और पीर बंगाली ग्राउंड में भी जो दुकानें कायम होंगी वो रिंग रोड के उस साइड के जो लोग पैदल आके खरीद सकते हैं वो पैदल आके वहाँ पे ख़रीदें। टू व्हीलर का इस्तेमाल ना हो और दूर ना हो, इसलिए ये जो है ये आइडिया हम सब बैठकर ये तय करे हैं कि भाई ताकि टू व्हीलर की ज़रूरत ना पड़े तरकारी खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए। घर के बाहर आते ही एक 10-20 कदम के ऊपर आपको दुकान मिलेगी और वहाँ से आप तरकारी और फ्रूट्स वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आज डिसाइड हुआ है और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर पीर बंगाली ग्राउंड पे भी दुकानें वहाँ पे लगाने के लिए वहाँ पे भी तरतीब बनाई जाएगी। और ये वार्ड वाइज पासेस तो एरिया सर्कल को दिए गए हैं, आप एरिया सर्कल के पास से अपने अपने पासेस लें और कुछ भी मुश्किल तकलीफ हुई तो हम लोगों के हम जिम्मेदार हैं, हम लोगों से कुछ आप रब्ता कायम कर सकते। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा की जानिब से 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू साहब के ऑफिस में हम चंद लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें मोहतरम जनाब इलाज सेठ बागवान साहब, वाज बाबा एडवोकेट साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब और दिगर मौजूद थे। उसमें शहर गुलबर्गा के हालात हाजरा और रमज़ान को लेकर के एक सीरियसली मीटिंग की गई कि किस तरीके से पूरा अमन रमज़ान गुजारा जाए और कहीं पर भी लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो और 144 सेक्शन भी कायम रहे और तरकारी फ्रूट को लेकर के रमज़ान में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी, उसको लेकर कई एक फैसले वहाँ पर लिए गए। कुल मिलाकर वहाँ यही तय पाया है कि गुलबर्गा में जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी मार्केट के
तर्ज पर जो काम हो रहा है, जिसका हर जगह सराहना हो रही है, तो वहाँ पर भी पीर बंगाली ग्राउंड पर भी वहाँ पर एक मार्केट कायम की जाएगी, जहाँ पर एंटायर सिस्टम पीडब्ल्यूडी की जानिब से, सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से, इलेक्ट्रिकल की जानिब से लाइटिंग बैरिगेट्स वगैरह लगाकर पुलिस वहाँ ट्रैफिक वहाँ पर तैनात रहेगी और पूरा वो देखरेख करेगी। हम सब लोग उसको मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ वार्ड वाइज का भी जो प्रपोजल था, हर जगह बंडी रखना, तरकारी रखना, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्राउड ना हो, तो इस सिलसिले में दोनों साइमल्टेनियसली एक रिंग रोड के उस तरफ जो लोग एक्सटेंशन एरिया में रहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और जहाँ पर रोज़ा और मोमिनपुर में थिकली पॉपुलेटेड जहाँ लोग एरिया है वहाँ पर उनके घरों के सामने सरकारी के बंडी और फ्रूट वहाँ पर रखे जाएंगे। और उसी के साथ मौजन और पेशवाम के पासेज भी दिए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर। मैं इलियास सेठ बागवान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम सब जो सब ने यानी नासिर उस्ताद, वहाज बाबा एडवोकेट और हमने अब्दुलरहीम मिर्ची साहब ने जो भी तरकारी के उनके जो कंसर्न थे लोगों के पासेस को लेकर के, इमाम मौजिन के पासेस को लेकर के जो कलेक्ट करके हमने उनको दिया था, वो बहुत ही मेहनत करके वो उस पर काम कर रहे हैं और वो पूरे सिग्नेचर्स भी हो गए, इंशाल्लाह आज या कल वो तकसीम करेंगे। तो इस मौके पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम चारों लोग मिल करके मुसलसल इस काम में लगे हुए हैं कि लोगों को तकलीफ़ ना हो। आखिर में मैं यही कहूँगा कि रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने में हम सबको जिक्र व असकार के इबादत के ज़रिए यही दुआ करनी है कि कोरोना वायरस को किसी भी सूरत में हमको गुलबर्गे में से दफ़ा करना है और पूरे भारत देश से ये कोरोना वायरस का खात्मा हो। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोई भी ऐसी परेशानी होगी तो इंशाल्लाह हम इलियास सेठ साहब, आज बाबा एडवोकेट साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब और अब्दुलरहीम मिर्चा साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम एज ए ज़िम्मेदारी के हिसाब से, एक मुसलमान होने के नाते, एक ज़िम्मेदार होने के नाते से आपके पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर काम करने की हम कोशिश करेंगे। काबिले मुबारकबाद हैं जनाब इलियास सेठ साहब, असगर चुलबुल साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, रहीम मिर्ची साहब, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को रेगुलरली फॉलोअप कर जो लॉन्ग पेंडिंग इशू गुलबर्गा का फेस कर रहा था उसे सॉल्व किया गया। वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इशू जिसे एक बेहतरीन तरतीब दी गई, जिस तरीके से मुझसे पहले तमाम लोगों ने आपसे बताया कि अब आपको बाज़ब्ता तौर पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किराना शॉप्स मिलेंगे, जिसकी टाइमिंग 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रहेंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मस्जिद के हुफाज़े इकराम, अइमा इकराम, मौज़िन हज़रात और दो मुख्तदी भी आपको भी आप तक पासस हो सकता है। आपने अपने दस्तावेज़ात के साथ आपकी फ़ोटो इलियास बागवान साहब के पास दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। अब आजकल में वो भी पासस तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान तक जनाब इलियास सेठ साहब और हम तमाम लोग मिलकर पहुंचा देंगे। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम तमाम लोगों से रब पैदा कर सकते हैं। और सबसे जो शहर गुलबर्गा के अतराफ व अकनाफ से कई एक कॉल्स तमाम ज़िम्मेदारान को हुसूल हो रहे थे माइक पे अजान देने के ताल्लुक से, उसके ऊपर भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये कन्फ्यूज़न है माइक पे अजान देना, आप डिपार्टमेंट के तरफ से एक अपना प्रेस रिलीज जारी करिए। तो हो सकता है, उन्होंने कहा कि शाम या कल तक उसका भी प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाएगा। और जहाँ तक सिटी की बात है, सिटी में तो अल्हम्दुलिल्लाह अजानें हो रही हैं, सहरन भी करना चाहिए और सहर और इफ्तार के भी ऐलानात किए जा सकते हैं। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि गुलबर्गा में कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है और मासूम बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को कल एक पॉजिटिव हुआ, ये बड़ी अफसोस करने वाली बात है। और डेथ रेट भी हमारा डे बाई डे बढ़ते जा रहा है।
हम इस वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और जब भी आप तरकारी और फ्रूट लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं, और लेकर जाने के बाद में अपने हाथों को धोकर घरों में दाखिल हो, ये तमाम सोच, और लेते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखें कि एक मर्तबा अगर आपको कोई तरकारी नहीं मिलती है तो मत मिलने दीजिए, फ्रूट नहीं मिलता है तो मत मिलने दीजिए, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए से हम कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। तो लिहाजा मेरी तमाम गुलबर्गा की अवाम से गुजारिश है कि आपको किसी भी तरीके की अगर क्वेश्चंस हैं या फिर मदद होना है या कोई परेशानी है तो हम तमाम से आप रब पैदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग रात और दिन मिलकर काम कर रहे हैं, इनके हक़ में तमाम आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हम तमाम के हक़ में दुआ भी कीजिए, और रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी हमें पिछले एक महीने से जिस तरीके से हम नमाज़ें इबादत घरों में कर रहे थे उसी तरीके से हमें तरावी भी घरों में अदा करनी है। उलमा इकराम ने अहकाम जारी किए हैं, घरों में इबादतें कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस वबा को, जानलेवा वबा को देश और दुनिया से जल्द ख़त्म फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा आज डिप्टी कमिश्नर किशोर बाबू के पास कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ कि कुछ वेजिटेबल के दुकानें अलग अलग महलों में चौराहे पे लगेंगे, और पीर बंगाली ग्राउंड में भी एक बड़ी मार्केट बनेगी, और ख़ास कर उन तमाम रोज़े की मार्केट वाले जो भी हमारे पास मौजूद आए थे, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फिर एक मरतबा हमारे पास आएँ, हम उनको प्लेस कहाँ कहाँ लगाना हम बता देंगे। तो उससे पहले मैं उन तमाम के तरफ से मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जो भी मसाइल थे वो मसाइल पूरे किए, तो हम कभी भी आधी रात के लिए तैयार हैं। रमज़ान और रमज़ान के बाद, ये लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद, हम कौम के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा मैं उन तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फील्ड से भागे हुए हैं, फील्ड के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो लोग फील्ड के अंदर रहने का दावा करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे बातें ना करें कि जब तक जो आदमी काम करता है उसी को मालूम है उसके हौसले कैसे रहते हैं। ये तो बहुत गलत बात है कि आप फील्ड में नहीं रहते हुए मैं फील्ड में हूँ, मैं टच में हूँ, वो हूँ, ये गलत बात है। इसीलिए मैं गुलबर्गा की आवाम को फिर एक मरतबा अपील करता हूँ, जो काम करते हैं उन्हीं से रابطہ रखें, उन्हीं के साथ रहें, इंशाल्लाह हर वक्त उन्होंने आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं काम करने के लिए, इतना कहते हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिन से रोज़ यहाँ पर इलियास सेठ बागवान, हमारे असगर चुलबुल साहब, नासिर हुसैन उस्ताद साहब, वहाज बाबा साहब, अब्दुल रहीम मिर्ची साहब, और हम पिछले 5 दिन से तरकारी मार्केट का और फ्रूट मार्केट का रमज़ान में किस तरीके से प्लान किया जाए, पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर फिर रहे थे। तो आज एक मीटिंग में फ़ाइनल हो गया किशोर बाबू साहब के साथ कि पीर बंगाली ग्राउंड में 50% वहाँ पर फ्रूट्स की मार्केट लगेगी, तरकारी की मार्केट लगेगी, फिर बाकी की जो फ्रूट्स की मार्केट है अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में, वहाँ पर पासेस दिए जाएंगे। जैसा कि हमारे इलियास सेठ साहब अपने पास बनाकर हर एरिया में दे चुके हैं, और इमाम और मोहजन के पासेस वो भी इलियास सेठ दे चुके हैं, वाज बाबा हमारे असगर चुलबुल साहब, रहीम साहब, हम लोगों भी इलियास सेठ के पासेस जो दे रहे हैं वो लेकर अपने अपने एरियों में जहाँ जहाँ हम दे सकते हैं पूरे नॉर्थ के अंदर या और साउथ के अंदर, इंशाल्लाह पूरे पासेस देंगे इमाम और मोहजन को। और पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर फिर रहे हैं, दिन रात हर चीज़, हर इश्यू में सबसे आगे यहाँ पर आ रहे हैं, किसी को बोलने और बताने की ज़रूरत नहीं है, जो काम करता है वो दिखता है, जो काम नहीं करता वो नहीं दिखता। ऐसे तो बहुत से इश्यूज़ हैं जो डेली आते रहते हैं शहर के अंदर, उसमें हर इश्यूज़ के अंदर हमारे इलियास सेठ हैं, वहाज बाबा हैं, असगर चुलबुल साहब हैं, नासिर उस्ताद साहब हैं, हम हैं, रही मिर्ची सेठ हैं, जो दिन रात फिर रहे हैं लोगों को तरकारी भाजी दे रहे हैं, हर कोई अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ, इसमें कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, और ये अल्लाह देखने वाला है कौन काम कर रहा है कौन नहीं है, और गुलबर्ग की आवाम को मालूम है कौन काम कर रहा है कौन काम कर रहा है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो दिखता है, जो नहीं है वो नहीं दिखता है। इंशाल्लाह
आगे भी जो भी होगा रमज़ान और रमज़ान तक और रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह हम पूरे मिलकर काम करेंगे गुलबर्गा शहर के लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए इंशाल्लाह पूरे मिलकर काम करेंगे। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द लर्न एंड शेक्स, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, एमकेएस लेआउट, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री, एमएम पीयू कॉलेज एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल।